नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसान हित में एक बहुत बड़ा फैसला उठाया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो उन्होंने ये काला कानून वापस लिया। जहाँ तक देखिए, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जानकार हूँ, और लास्ट 1-2 सालों से मैं सुन रहा हूँ कि ये किसान कानून काला कानून है। देखिए, किसान कानून क्या है ये तो मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, उतना जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये काला कानून है, मतलब काला कानून है, वापस लिया है। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ फिर से, और असल में काला शब्द से ही मुझे नफरत है। भले मेरा रंग काला है, लेकिन मैं काला शब्द से नफरत करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैंने काला रंग के कारण मेरा शोषण हुआ, मानसिक शोषण। लोग मुझे कल्लू कल्लू कह के बुलाते थे, जानते हैं कितना दुख होता था। तभी से मैंने फैसला कर लिया कि काला शब्द अगर किसी चीज़ से जुड़ा है तो गलत है। और ऊपर से मैं सोशल मीडिया में न्यूज़ देखते रहता हूँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ सर्कुलेट होते रहता है कि नहीं, किसान कानून काला कानून था। तो भाई, मोदी जी ने तो अच्छा फैसला लिया है, और उम्मीद है जो किसान भाई अभी टिकरी बॉर्डर पे जमे हुए थे वो घर जाएंगे और जाके खेती बाड़ी फिर से चालू कर लेंगे, और हो सकता है कि उनके इस कदम से देश का और भी भला हो, हम जैसे गरीबों का भला हो। जैसे कि जो सोसाइटी का चावल अभी 1 रुपये किलो मिल रहा है हम लोगों को, हो सकता है वो जाके खेती बाड़ी बढ़िया चालू कर दे, तो वही सोसाइटी का चावल 1 रुपये किलो छोड़ के 50 पैसे किलो मिलने लगे। तो समझ रहे हैं ना, इतना फ़ायदा। तो फिर से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद।